हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाइए इस घंटे को ताकि नई वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर को बिना फॉर्मेट किए हुए हार्ड डिस्क पार्टीशन कैसे बना सकते हैं, और अगर आप दो पार्टीशन को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप चाहे विंडो 7 चलाते हों या फिर विंडो 10 या फिर विंडो 8, कोई भी विंडो चला रहे हों, ये सभी में हो जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखिएगा। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं मेरे लैपटॉप पर, यहाँ पर आपको दो पार्टीशन दिख रहे हैं, एक है सी और दूसरा है डी। लेकिन जो है मुझे 200 GB पार्टीशन की ज़रूरत है एक और, जो मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए ये जो डी वाला ड्राइव है, ये काफ़ी बड़ा साइज है, इसमें 833 GB का है ये। तो इसमें से मैं 200 GB निकाल के यहाँ पे एक नया 200 GB का पार्टीशन बना लेता हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ माई कंप्यूटर पे। अगर आप 10 और 8 चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखा होगा दिस PC। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है माउस की राइट वाली बटन और जाना है मैनेज ऑप्शन पे। अब आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट पे। थोड़ा वेट करें 4-5 सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके कंप्यूटर पर जितनी भी ड्राइव हैं वो दिखाएगा। मेरे में सी और डी दोनों ड्राइव दिखा रहा है। तो मैं डी वाले से 200 GB पार्टीशन निकालना चाहता हूँ नए पार्टीशन के लिए। तो मैं इस पर माउस से क्लिक करता हूँ और राइट वाली बटन दबा देता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला सिंक वॉल्यूम, इस पर क्लिक करें। थोड़ा वेट करें, आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डी ड्राइव की पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। जो इसकी ड्राइव थी वो थी 850 GB की करीब, और जिसमें से अभी बची हुई है वो है करीब 750 GB। तो अब आपको जितने GB की पार्टीशन बनाना है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो यहाँ पे MB में भरना है, तो 1024 MB जो है 1 GB होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 200 GB का बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मैंने जैसे भरा 1000, तो ये जो है हो गया है 1 GB। अब 1 0 और बढ़ाया, 10,000 कर दिया, तो अब ये हो गया है 10 GB। तो इसी तरह मैंने एक और बढ़ाया, अब 1 लाख हो गया। तो मतलब ये जो है करीब 100 GB का पार्टीशन बन गया है। तो मुझे 200 का चाहिए, तो मैं इस पर यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ये देख लीजिए, 2 लाख लिख दिया और यहाँ श्रिंक पे क्लिक कर दिया। थोड़ा वेट करें, आ गया। देखिए यहाँ पे 195 GB लिख के आया है और नीचे लिखा हुआ है अनएलोकेटेड। तो ये जो है अभी केवल क्रिएट किया है। अब इस पर आप फिर से क्लिक करें माउस से, राइट वाली से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सिंपल वॉल्यूम, इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 200 GB भरा था, तो यहाँ पे 200 GB दिखा रहा है। नेक्स्ट करें, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ड्राइव लेटर के बारे में। तो आप जैसे सी और डी ड्राइव दो बन चुकी हैं सी डी करके, तो मैं इसे बना लेता हूँ यहाँ पे एफ कर लेता हूँ, एफ ड्राइव, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। तो फॉर्मेट तो करना ही है, अगर आप डू नॉट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको बाद में फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। तो आप यही रहने दें सेटिंग, और यहाँ वॉल्यूम लेवल पे आप जो भी नाम डालना चाहते हैं नाम डाल दें। तो जैसे मैं डाल देता हूँ हिंदी ट्यूब धीरज, मैंने इतना लिख लिया और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया और फिनिश। यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, तो यहाँ पे फिनिश कर लें और यहाँ पर अभी आ जाएगी ड्राइव। ये देखिए, ये जो है 195 GB की ड्राइव आपकी तैयार हो गई है। ये देखिए यहाँ पे नीचे बिलिंग कर रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एफ ड्राइव चालू हो गई, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ और जाता हूँ माय कंप्यूटर पे। ये देखिए यहाँ पे 195 GB जो है एकदम तैयार हो गई है। तो इसका यूज आप जैसे चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन बना सकते थे बिना कंप्यूटर को फॉर्मेट किए हुए। अब दोस्तों, अगर आप ये वाला पार्टीशन इसमें फिर से मिलाना चाहते हैं तो ये आप कैसे करेंगे। दो पार्टीशन को आपस में मिलाना है। अब मान लीजिए मुझे ये 200 GB की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसे मिलाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से जाता हूँ माई कंप्यूटर मैनेज और डिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा वेट, आ गया। ये देखिए अब यहाँ पे तीनों पार्टीशन दिखा रहा है। तो मैं ये हिंदी ट्यूब धीरज वाला पार्टीशन जो है ये डी ड्राइव में मिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही वाली ड्राइव पे क्लिक करूँगा, हिंदी ट्यूब वाले पे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिलीट वॉल्यूम, इस पर क्लिक करें। अब दोस्तों, ये बता रहा है यहाँ पे अगर आप इसको डिलीट कर रहे हैं तो इस ड्राइव में जितना भी डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। इससे पहले आप बैकअप निकाल लें, मतलब किसी दूसरी ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लें। तो बैकअप तो निकालना नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं इसे यस कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो फिर से मैं क्लिक करता हूँ और कर देता हूँ डिलीट पार्टीशन पे क्लिक। अब ये पार्टीशन डिलीट हो जाएगा, यस।
डिलीट हो गया, ये देखिए 195 GB अन एलोकेटेड लिख के आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डी ड्राइव में मिलाना है, तो डी ड्राइव पे क्लिक करते हैं माउस की राइट वाली बटन से, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटेंड वॉल्यूम, मतलब जोड़ना है, ये देखिए क्लिक किया, नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पर भी नेक्स्ट कर दें, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, तो नेक्स्ट कर दें, और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दें। ये देखिए ड्राइव हट गई, फिर से बची है सी और डी। चलिए चेक करते हैं माई कंप्यूटर, ये देखिए फिर से जो है 833 GB की ड्राइव हो गई। तो दोस्तों देखा कितनी आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से आप अपने पूरे कंप्यूटर के डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और ड्राइव को डिलीट करना और क्रिएट करना यहाँ से आपने सीख लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटा जरूर दबाइए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप वीडियो को देख लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।